सनसनी ऑफ इंडिया। डीटीसी में ड्राइवर की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति ने दो बीवियां रखी हुई थी, लेकिन अच्छी खासी प्रॉपर्टी व पैसा होने के बावजूद दोनों बीवियों को मारता पीटता और पैसे से तंग रखता था। शादी के कई वर्षों के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो दोनों बीवियों ने यह सोचकर कि उनकी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दोनों सौतन सहेली बन गई और पति की प्रॉपर्टी को आपस में बांटने की योजना बनाकर सुपारी किलर से पति की हत्या करवा दी। इससे पहले कि दोनों सौतन बीवियां पति की प्रॉपर्टी आपस में बांटकर मौज करती, उससे पहले ही गोविंदपुरी थाना पुलिस ने मृतक की एक पत्नी के मोबाइल फोन की फोटो गैलरी से डिलीट एक फोटो से ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर डाला। आरोपियों की पहचान मृतक की पहली पत्नी 42 वर्षीय गीता, 28 वर्षीय दूसरी पत्नी गीता उर्फ नजमा व मृतक की 21 वर्षीय बेटी कोमल के रूप में हुई है। पुलिस दूसरी पत्नी के फुफेरे भाई व सुपारी किलर की तलाश कर रही है। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ईशा पांडेय ने बताया कि दिनांक 6 जुलाई को थाना गोविंदपुरी में मजीदिया अस्पताल से सूचना मिली थी कि गोविंदपुरी निवासी संजीव कुमार को अस्पताल में लाया गया है। परिजन बता रहे हैं दुर्घटना हुई है, लेकिन कॉल करने वाले को शक था कि गोली मारकर हत्या की गई है। कॉल मिलते ही मौके पर इंस्पेक्टर सुनील कुमार व एसआई रवि बेनीवाल पहुंचे। जांच अधिकारियों को पता चला कि संजीव को उसकी पत्नी गीता उर्फ नजमा ने भर्ती कराया है। मृतक की पत्नी ने ये भी बताया कि वो पति के साथ मोटरसाइकिल से सब्जी खरीदकर घर जा रही थी। दुर्घटना होने की वजह से उसके पति नीचे गिर गए। गोली लगने के बारे में गीता उर्फ नजमा कुछ नहीं बता सकी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये संदीप जो मृतक है उनका अपना मकान है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा मेरे साथ आए और उस मकान को मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। इसी मकान में संदीप अपने परिवार के साथ रहता था और इसी मकान से वो निकल के बाइक पे गए थे, जहाँ पर शूटर उनका रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो पेट्रोल पंप से मुड़े और वहाँ पे वो घात लगाए शूटर बैठा था, और जब वह थोड़ा आगे रास्ते में गए तो उन्होंने उसे फायर कर दिया। जो फायर वाली बात पत्नी ने पुलिस वालों से छुपा के रखी थी, पुलिस को इसी बात का संदेह हो गया था कि इनको ये जो उनकी वाइफ है ये फायर वाली बात क्यों छुपा रही है। मृतक व्यक्ति के पत्नी के बयान व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना गोविंदपुरी में एफआईआर संख्या 474/22 धारा 302 व 27 अम्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ईशा पांडेय ने दिन दहाड़े आम पब्लिक की गोली मारकर हत्या की वारदात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपियों को दबोचने के लिए प्रदीप कुमार एसीपी कालकाजी की सुपरविजन व जगदीश यादव एसएचओ थाना गोविंदपुरी के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर सुनील कुमार, मंजीत, एसआई विवेक तोमर, रवि बेनीवाल, हेड कांस्टेबल नरसी, ऋषि राज, जय प्रकाश व बुद्धि प्रकाश की एक क्रेक टीम का गठन किया। ब्लाइंड मर्डर केस में आरोपियों के बारे में कोई क्लू नहीं था, लेकिन जगदीश यादव एसएचओ थाना गोविंदपुरी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने केस को चुनौती के रूप में लेते हुए जांच शुरू कर दी। पूछताछ में मृतक की पत्नी गीता उर्फ नजमा ने इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम को बताया कि ओखला डिपो के डीटीसी कर्मियों ने उसके पति को गोली मारने की धमकी दी थी। गीता उर्फ नजमा के बयान पर इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने कालकाजी डिपो में मृतक के साथ काम करने वाले डीटीसी कर्मचारियों से पूछताछ की। हालांकि मृतक के साथ काम करने वाले डीटीसी कर्मचारियों से पूछताछ से इंस्पेक्टर सुनील कुमार को लगने लगा कि मृतक की पत्नी पुलिस को गुमराह कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कालकाजी का डिपो है, संजीव इसी में ड्राइवर की नौकरी करता था, और जो संजीव की वाइफ है उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए यहाँ के स्टाफ के वर्करों के ऊपर इल्जाम लगाया था कि इन लोगों ने संजीव को गोली मारी है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की तो जांच में कुछ नहीं मिला, और ये भी एक संदेह यहाँ से भी पुलिस को उसकी वाइफ के ऊपर एक संदेह पैदा हुआ था। इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने जगदीश यादव एसएचओ थाना गोविंदपुरी के साथ केस डिस्कस किया तो एसएचओ जगदीश यादव ने क्राइम सीन से मिले सबूतों को देखकर अंदाजा लगाया कि वारदात को अंजाम देने से पहले मृतक की रेकी जरूर की गई होगी। साथ ही मृतक की पत्नी के बार बार बयान बदलने व बॉडी लैंग्वेज से अपनी शक की सुई मृतक की पत्नी की तरफ कर दी। एसएचओ जगदीश यादव का मृतक की पत्नी पर शक पैदा होने पर इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने गीता उर्फ नजमा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो अपने बयान पर अड़ी रही। इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने सस्पेक्ट गीता उर्फ नजमा के मोबाइल फोन में फोटो गैलरी, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज व सोशल मीडिया को खंगाला तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फोटो गैलरी के रिसाइकल बिन में एक डिलीट फोटो मिला। डिलीट फोटो देखकर इंस्पेक्टर सुनील कुमार का माथा ठनका। फोटो मृतक की बाइक के नंबर का था। इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने डिलीट फोटो की जांच की तो पाया कि बाइक नंबर का फोटो 5 जुलाई को खींचा गया था और उसी दिन डिलीट कर दिया था।
मृतक की पत्नी से जब डिलीट फोटो के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब उसका पति और वो घर पर साथ साथ थे तो उसके पति ने किसी काम के लिए घर के बाहर खड़ी बाइक की नंबर प्लेट की फोटो खींचने को कहा था। इंस्पेक्टर सुनील कुमार को यह बात हजम नहीं हुई और सच्चाई जानने के लिए 5 जुलाई की तारीख के मृतक व उसकी पत्नी के मोबाइल CDR की जांच की। CDR की जांच से इंस्पेक्टर सुनील कुमार को पता चला कि 5 जुलाई को मृतक अपनी पत्नी के साथ था ही नहीं। मोबाइल CDR से मिले सुराग से SHO जगदीश यादव का शक यकीन में बदल गया। सुराग मिलते ही इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने सस्पेक्ट गीता उर्फ नजमा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन गीता उर्फ नजमा अपने पति के हत्यारों के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करती रही। मैं उस घटनास्थल पर खड़ा हूँ जहाँ पर शूटर ने संजीव को गोली मारी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चेक पोस्ट है और ये मेरे सीधे हाथ पे दिवाले पब्लिक स्कूल है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो घटनास्थल में आपको दिखाना चाहूँगा। आप अभी भी खून के निशान है, आप देख सकते हैं आप खुद। ये देखिए, ये घटनास्थल है, यहाँ पर शूटर ने संजीव को गोली मारी थी। अभी भी सड़क पर खून के निशान सूखे नहीं हैं, अभी भी खून के निशान सड़क पे आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने सस्पेक्ट गीता उर्फ नजमा पर सख्ती करने की बजाय उसे प्यार से हैंडल किया। उसे बताया गया कि पुलिस को सब पता चल चुका है कि उसके पति की हत्या में कौन कौन शामिल है, अगर वो पुलिस की मदद करेगी तो उसे बचा लिया जाएगा, अगर पुलिस की मदद नहीं करेगी तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सुनील कुमार की योजना कामयाब हो गई, गीता उर्फ नजमा टूट गई। उसने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। प्रदीप जी, जो मृतक हैं संजीव जी, आप उनके क्या लगते हैं? मैं छोटा भाई हूँ जिनका। तो अब ये जो पूरी घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बाकी जो और दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस पकड़े। और पुलिस का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी जल्द काम करा। साउथ दिल्ली के जो DCP हैं और हमारे थाना गोविंदपुरी के जो SSO साहब हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद करी और जल्द से जल्द इन्होंने कार्रवाई करी। बाकी हम तो पुलिस वाले से और भी अनुरोध यही करते हैं कि जो कातिल हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? सर ललित कुमार। जो संजीव मृतक हैं तो उनके आप क्या लगते हो आप? उनका मैं बड़ा लड़का। आप बड़े लड़के हैं, तो ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर ऐसा मतलब कल्पना नहीं करी थी कि इतना ऐसा कुछ हो जाएगा, और जब मैंने सुना तो बहुत मतलब अटैक सा पड़ा कि ऐसा कुछ हो गया है। मतलब इतनी कोई ऐसी उनकी लड़ाई झगड़ा नहीं था, और जब सुना कि ऐसा हुआ है तो बहुत दुख हुआ सुन के। अब ये जो जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं, तो आप क्या मांग करते हो कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो? जी सर ज़रूर होगी, होनी भी चाहिए, अब ताकि आगे जाके और ऐसी घटनाएं ना हो। पूछताछ में गीता उर्फ नजमा ने बताया कि उसके पति की 2 बार शादी हो चुकी है। उसके पति की पहली पत्नी गीता अपने 1 बेटे और 2 बेटियों के साथ दिल्ली के दक्षिणपुरी में किराए के मकान में रह रही है। मृतक संजीव ने उसे छोड़ दिया था। मृतक संजीव गीता उर्फ नजमा को मारता पीटता और जानवरों जैसा व्यवहार करता था, कभी कभी तो हाथ पैर बांध कर चला जाता था। गीता उर्फ नजमा के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे और वो कई कई दिन तक भूखी रहती थी। इसी दौरान गीता उर्फ नजमा अपने पति की पहली पत्नी गीता के संपर्क में आई। गीता उर्फ नजमा की पीड़ा देखकर मृतक की पहली पत्नी गीता ने अपनी बेटी कोमल के जरिए उसे एक मोबाइल फोन मुहैया कराया ताकि कोई परेशानी होने पर वो उससे संपर्क कर सके। गीता उर्फ नजमा अपने पति संजीव की पहली पत्नी गीता से बात करने के बाद मोबाइल फोन को अपने पड़ोसी के घर में छिपा देती थी। जब मृतक की पहली पत्नी गीता को पता चला कि मृतक संजीव ने पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब गीता उर्फ नजमा का भी जीवन बर्बाद कर रहा है, इसलिए मृतक संजीव की दोनों पत्नियों ने गीता की बेटी कोमल के साथ मिलकर लगभग 2-3 साल पहले संजीव को मारने और उसकी प्रॉपर्टी व पैसे को आपस में बांटने की साजिश रची। प्लानिंग के अनुसार मृतक की दूसरी पत्नी गीता उर्फ नजमा ने अपने बुआ के लड़के इकबाल से संपर्क किया। इकबाल ने गीता उर्फ नजमा के कहने पर शार्प शूटर नायुम से मिलवाया। नजमा ने उसे अपने पति संजीव की हत्या के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी। दिनांक 5 जुलाई को जब संजीव घर पर नहीं था लेकिन उसकी बाइक खड़ी थी। अपने पति की रैकी के लिए गीता उर्फ नजमा ने शार्प शूटर के मोबाइल पर संजीव की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भेजकर अपने फोन से डिलीट कर दी थी, लेकिन वो एक बात भूल गई कि फोटो गैलरी से फोटो डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में कुछ दिनों के लिए पड़ी रहती है।
यही भूल आरोपियों के लिए भारी पड़ गई। गीता उर्फ नजमा ने शार्प शूटर को बताया था कि वो अपने पति संजीव के साथ दिनांक 6 जुलाई की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच बाइक से बाजार जाएगी। शार्प शूटर नयूम इकबाल के साथ KTM बाइक पर गोविंदपुरी आया। संजीव की रैकी की वारदात वाले दिन योजना के अनुसार गीता उर्फ नजमा के कहने पर जब संजीव बाइक पर बाजार के लिए निकला तो शार्प शूटर ने उनका पीछा किया और पेट्रोल पंप के पास स्थित एक ढाबे के पास खड़े होकर उन पर नजर रखने लगा। जैसे ही संजीव ट्रांजिट कैंप के दीपाले स्कूल के पास पहुंचे तो शार्प शूटर ने संजीव की गोली मारकर हत्या कर दी। गीता उर्फ नजमा के बयान पर मृतक संजीव की पहली पत्नी गीता व उसकी बेटी कोमल को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों माँ बेटियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। शार्प शूटर नईम और इकबाल को दबोचने के लिए छापेमारी की जा रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।